हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रिटास तड़का चैनल में। और आज आप सबके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यम्मी पराठे की रेसिपी। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो कभी कभी समझ में नहीं आता ब्रेकफास्ट में क्या बनाएं, तो इस पराठे को आप एक बार ज़रूर बना के खाइएगा। ये आप ऐसे भी खा सकते हैं या किसी भी अचार के साथ खा सकते हैं या दही के साथ, सभी के साथ ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए लेंगे हाफ कप गेहूं का आटा। तो मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप का यूज़ किया है, आप किसी भी कटोरी से नाप के ले सकते हैं। साथ ही में डाल देंगे हाफ कप मकई का आटा और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे हाफ कप बाजरे का आटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसी मेजरिंग कप से नाप के सारे आटे लिए हैं। और साथ ही में थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे चावल का आटा, ये हम यहाँ पे लेंगे 1/3 कप के करीब। तो अगर चावल का आटा नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार, मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच डाला है। साथ ही में डाल देंगे इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच के करीब, और इसमें डाल देंगे चाट मसाला 1/2 चम्मच। साथ ही में थोड़ा सा गर्म मसाला भी डाल देते हैं 1/2 चम्मच के करीब। तो पहले आटे के अंदर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे गाजर। तो यहाँ पे ये मैंने 1/2 कप गाजर ली है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, ये डाल देंगे। और साथ ही में हम इसमें डाल देंगे कद्दूकस करी हुई मूली, तो ये भी मैंने यहाँ पे 1/2 कप ली है। आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं जो भी मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स इसमें डाल रही हूँ। और साथ ही में डाल देंगे बारीक कटा हुआ पालक, ये भी हम यहाँ पे लेंगे 1/2 कप। आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई मेथी भी इसमें डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे चुकंदर, तो ये मैंने 1/3 कप के करीब लिया है, मतलब एक मीडियम साइज़ का चुकंदर लिया था जिसको कद्दूकस कर लिया है, ये डाल देंगे। और साथ ही में डाल देंगे इसमें बारीक कटी हुई प्याज, ये भी 1/2 कप के करीब ले लेंगे, ये डाल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसा भी आपको पसंद हो। तो अब सारी चीज़ों को हम पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हम यहाँ पे पानी का यूज़ नहीं करेंगे, बस आटे के अंदर ऐसे ही सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। ध्यान रखें, अब इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एकदम सॉफ्ट डो बना के रेडी करेंगे। तो पराठे के लिए जैसा भी डो आप बनाते हैं, सॉफ्ट या हार्ड, वैसा ही बनाएं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट डो बना रही हूँ, तो इसलिए बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ पे ये हमारा डो बन के रेडी है। तो बस अब हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए। 10 मिनट के बाद हम पराठे बनाना शुरू करेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं और डो अच्छे से सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके की कोई भी साफ़ सी पॉलिथीन ले लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे 1/2 छोटी चम्मच के करीब, इस तरीके से फैला लेंगे। क्योंकि ये जो हम पराठा बनाएंगे, इसे हम बेल के नहीं बनाएंगे। अगर आप इसे बेलने की कोशिश करेंगे तो ये टूट सकता है। तो इसलिए बहुत ही आसान सा तरीका है, इस तरीके से आप कोई भी साफ़ सी पॉलिथीन ले लें, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाएँ और डो इस तरीके से उठा लें, छोटी सी एक लोई। थोड़ी सी इसकी जो आप लोई बनाएंगे ना, वो थोड़ी सी मोटी ही बनाएं। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल और लगा लेंगे और बस दूसरी साइड से इस तरीके से पॉलिथिन को उठाएंगे और कोई भी इस तरीके की प्लेट ले लेंगे और इसको हम कस के ऐसे दबाएंगे घुमाते हुए। तो जितना बड़ा आपको पराठा चाहिए उतना बड़ा आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम इसे धीरे से पॉलिथिन से ऐसे हटा देंगे, बहुत ही आसानी से हट जाएगा। और ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं टूटा है। इसी तरीके से मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। बस फिर से आपको पॉलिथीन को अच्छे से साफ़ कर लेना है या थोड़ा सा इस तरीके से ऑयल लगा लें, ऑयल को इस तरीके से फैला लें और फिर से सेम वैसे ही लोई रखेंगे, दूसरी साइड से पॉलिथीन को उठाएंगे और प्लेट को इस तरीके से घुमा देंगे हल्का सा। ये देखिए, तो साइड्स के जो कोने हैं वो हल्के से जैसे टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, तो आप उसे सीधा भी कर सकते हैं। अब चलते हैं इन्हें सेकने के लिए। तो इसके लिए पहले तवे को हल्का गरम कर लें, फिर इसके ऊपर डालें। और गैस की जो फ्लेम है अभी आपको यहाँ पे मीडियम रखनी है, हाई नहीं रखनी है, जिससे कि अंदर तक अच्छे से पराठा सिक जाए। तो ये नीचे की साइड से थोड़ा सा चिपक सकता है, तो इसलिए साइड में थोड़ा सा घी डाल दें। और जैसे ये नीचे की साइड से हल्का सा सिक जाएगा, फिर आप इसे पलट लें, ये देखिए इस तरीके से।
और दोनों साइड से अच्छे से घी लगाते हुए इसी तरीके से पलटते हुए हमें इसे सेकना है। आप चाहें तो इसके अंदर ग्रेट किया हुआ पनीर भी डाल सकते हैं, और यकीन मानिए ये पराठा इतना टेस्टी लगता है ना खाने में, तो एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा, बिल्कुल अलग टेस्ट है इस पराठे का। और ये देखिए कितने अच्छे से सिक चुका है, एकदम क्रिस्पी बना है। तो मैं इसे सर्व कर रही हूँ अचार के साथ, आप इसे दही के साथ या ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करने के बाद प्लीज़ यार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताइएगा अगर आपने इस तरीके से पराठा बनाया है तो आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। तो हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।